तो नमस्कार, मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ बाइक बोर्ड कंपनी के बारे में। साथियों, जिस तरीके से कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि लोग उन्हें 30 तारीख तक का मौका देने के लिए तैयार हैं, लोगों ने पहले 20 तक का मौका दिया और अब 30 तारीख तक ये मौका संजय सिंह भाटी को देने के लिए तैयार हैं। और 30 मई बिल्कुल सामने आ चुकी है और अब इससे ज़्यादा वक्त लोग नहीं दे पाएंगे। तो संजय सिंह भाटी साहब, मैं राजेश मिश्रा मातृभूमि टीवी के माध्यम से आपके सामने मुखातिब हूँ और आपसे मेरी बातचीत बिल्कुल डायरेक्टली हो रही है। सबसे पहली बात कि देश के जो जवान हैं, मिलिट्री के, सेना के, आर्मी के और देश के किसान हैं, वो अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यानी कि जब 30 मई का समय पूरा हो जाएगा तो बहुत सारे पुलिस स्टेशन में FIR होंगे, तमाम चेक बाउंस के केसेज होंगे, तमाम बहुत बड़े 420, 120 भी इस तरह के तमाम धाराएं लगेंगी और उसके बाद आपको जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। और वैसे भी हाथी और साइकिल दोनों की हालत बहुत ख़राब है, सरकार बदल चुकी है तो आपका ज़्यादा ताकत भी काम नहीं कर पाएगा, जो चक्कर में आप थे, जो दिमाग आप लगा रहे थे। तो संजय सिंह भाटी साहब बलमनसाहत इसी में है कि आप तुरंत सामने आइए, लोगों के सामने अपनी बात रखिए, लोगों को पैसा देना शुरू करिए, वरना मैं राजेश मिश्रा मातृभूमि टीवी के माध्यम से आपको एकदम साफ लफ्जों में बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर के SSP, DM, SP, पुलिस कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, कानून मंत्रालय, बहुत दूर दूर तक आवाज़ जाएगी। और भाई साहब, इतना तो पक्का समझ लीजिए कि अगर एक बार आप जेल चले गए तो आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने सोची समझी रणनीति के तहत पब्लिक के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम और फ्रॉड किया है, इसकी जो सज़ा मिलेगी वो इस उम्र में अगर आपको मिले तो अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा लगता होगा कि आप बहुत सयाने हैं, बहुत समझदार हैं, आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तो फिर अभी या तो आप कभी जेल नहीं गए हैं या तो कानून को सही तरीके से अभी आपने समझा नहीं है। ये जितनी सयानपंथी है सब कहाँ चली जाएगी पता नहीं चलेगा। तो संजय सिंह भाटी साहब, आप इस बात को नोटिस कर लीजिए और मैं खुद अपने आप को सीरियसली इस केस में इन्वॉल्व करने वाला हूँ। तो लोगों के, देश के जवानों के साथ, किसानों के साथ आप इस तरह का छलावा मत करिए। लोग आपकी मीठी मीठी बातों में आकर, लोगों ने पैसा जमा किया, जो समय आपने इंतज़ार करने के लिए बोला लोगों ने इंतज़ार भी कर लिया, अब सब्र का बांध टूट रहा है। और हद तब हो जाती है जब कंपनी की वेबसाइट बंद हो जाती है, कंपनी का ऑफिस बंद हो जाता है, कोई आधिकारिक बयान नहीं आता है। आप खुद सोचिए, अगर हजारों लोग जिस दिन दिल से चाह लेंगे आप तुरंत नप जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि कैसे क्या होता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो संजय सिंह भाटी साहब, देखिए अभी तो आज 29 तारीख है, 30 तारीख है, तो अगर 30 तारीख है तो अगर आज आपके सामने ये मैं बोल रहा हूँ कि आपको लोगों ने 30 तारीख तक मौका दे दिया है, तो अभी आप उनकी सीधाई का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए, तुरंत सामने आइए और जो आपको करना है वो करिए। लोगों के बीच में एक आश्वासन दीजिए, आपको उनसे क्या कहना है सामने आके कहिए। अंडरग्राउंड होकर के आप नहीं बच पाएंगे, तो मैं आपको कहूँ तो इस टाइम पर लिख करके भिजवा देता हूँ, जहाँ बोलिए। तो मैं निवेशकों के साथ खड़ा हूँ और अगर कंपनी ने पैसा दिया तो कंपनी के साथ खड़ा हूँ, लेकिन अगर बेईमानी करोगे तो मैं किसी भी कीमत पे आपको माफ़ नहीं करूँगा और निवेशक किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं करेंगे। मैं 1 जून से ही लीगल एक्शन के पीछे पड़ जाऊँगा और जिस दिन मिलिट्री के 100 जवान किसी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाएंगे, किसी पुलिस वाले को औकात नहीं है कि वो FIR दर्ज नहीं करेगा। और अगर FIR दर्ज हो गई तो आपको गिरफ्तारी ना हो, गैर जमानती वारंट जारी ना हो, लुकआउट नोटिस जारी ना हो,
उसके बाद इंटरपोल का नोटिस जारी ना हो, ये नहीं हो सकता। यानी कि आप किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएंगे। अब सारी इज्जत आपके हाथ में है। ये मुहिम मैं 1 जून से स्टार्ट करूंगा, एक ग्रुप बनाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, लोगों को बुलाऊंगा, FIR करवाऊंगा, चाहे सरकार के पास क्या कुछ हो सकता है, मैं वो सब कुछ करूंगा। संजय सिंह भाटी साहब, तो आपका समय अब ख़त्म होता है। 30 मई ही आपका आखिरी समय था, 31 तारीख आपको बोनस में मिलेगा, लेकिन 1 जून से जो होगा आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदुस्तान का नियम कानून कितना सख्त है। ये वो जमाना जाने दो जब लोग रेनूकोट पहन के बाथरूम में नहा रहे थे और उनके नीचे घुपले घोटाले हो रहे थे और रिमोट पे सरकार चल रही थी। अब देश के अंदर एक स्थिर सरकार है और जो फैसले होंगे उससे आपकी रूह कांप जाएगी और पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो ये आखिरी वार्निंग मैं राजेश मिश्रा आपको मातृभूमि TV के माध्यम से दे रहा हूँ। शायद 1 तारीख को आपको ये मौका नहीं मिलेगा। अब आपकी इज्जत पानी सब आपके हाथ में है और निवेशकों को जो मेरे भाई बंधु हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि संजय सिंह भाटी साहब को उनके अंजाम तक पहुँचा के रहूँगा। सिर्फ आपका साथ चाहिए, ठीक है सर। बाइक पोर्ट कंपनी का 1-1 रुपया जमा किया हुआ पैसा अगर संजय सिंह भाटी साहब ने नहीं लौटाया तो इनको उनके अंजाम तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी मैं आपका साथ पूरी तरीके से दूंगा। आप लोग 4 कदम मेरे साथ आगे बढ़ाइए। दोस्तों यहीं से मैं लेता हूं विदा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि TV। जय हिंद।